हापुड़ की दिल्ली रोड पर रामलीला मैदान के सामने एक सफेद रंग की गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े होकर सामान खरीद रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार हवा में उछल गया जो कि सड़क किनारे जा गिरा। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद उन्होंने घायल का हाल जाना। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसके सिर में 4 टाके आए हैं जबकि जांघ में भी 7 टाके लगे हैं। पीड़ित अब पहले से स्वस्थ है जिसने मामले में कार्रवाई की मांग की है। मामला मंगलवार की रात का है जब एक सफ़ेद रंग की तेज रफ्तार गाड़ी हापुड़ से दिल्ली की ओर जा रही थी। रामलीला ग्राउंड के सामने नितिन निवासी रामगढ़ी अपने मित्र जितेंद्र की बाइक पर सड़क किनारे खड़ा होकर सामान खरीद रहा था जिसके पीछे से आई तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में ज़बरदस्त टक्कर मार दी। सड़क हादसे के दौरान गाड़ी का बम्पर बाइक में ही फंस गया जिसकी हेडलाइट उड़कर दूसरी ओर जा गिरी और वह मौके से फरार हो गया। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हुए और नितिन को अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उसे उपचार दिलाया। लोगों ने बताया कि कार सवार की गति काफ़ी तेज थी जो कि फर्राटा भरकर गाड़ी को सड़क पर दौड़ा रहा था और मौके से फरार हो गया। मामले में जाँच की मांग की गई है।